19 मई को लोकसभा की गोरखपुर और बांसगांव सीट पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन के पांचवें दिन शुक्रवार को बांसगांव सीट के लिए प्रगतिशील समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद पार्टी कार्यकर्ता के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में बने बांसगांव संसदीय नामांकन कार्यालय में एआरओ व जीडीए उपाध्यक्ष अमित बंसल के समक्ष पहुंचकर नामांकन किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रगतिशील समाज पार्टी के उम्मीदवार सुरेंद्र प्रसाद ने कहा, बांसगांव बहुत पिछड़ गया है, बहुत ज़्यादा पिछड़ गया, जो कि वहाँ के जनता के आप जाके सर्वे अगर कर लें तो आपके सामने वो आ जाएगा। आप किससे लड़ाई मान रहे हैं जी? किससे लड़ाई मान रहे हैं आप? लड़ाई सर किसी से नहीं है। अपनी जीत कितनी सुनिश्चित मांग जी? जीत कितनी सुनिश्चित मांग रहे हैं? अब जीत लगभग 5 लाख के आसपास जी।